बस बाबूजी की ना ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कितनी आसानी से घर तक जा सकते थे ना बैलगाड़ी से, लेकिन नहीं, उन्होंने तो गाड़ी वालों को बोल दिया कि शिरडी के बाहर ही उतार दो। हाँ ठीक है मैंने माना कि चलने से सेहत बनी रहती है, लेकिन कम से कम उन्हें घर जाने के रास्ते तो मालूम होने चाहिए ना, वो भी उन्हें अच्छे से नहीं पता। अब ऐसे अगर हम दिशाहीन चलते रहेंगे तो घर पहुंचे ना पहुंचे पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। और अब आप सब लोगों को भूख भी तो लगी होगी है ना, अगर हम समय से घर पहुंच जाते तो अब तक मैंने सबके लिए खाना भी बना दिया होता। आहो मैं क्या बोलती हूँ, रास्ते में से कुछ मिठाई वगैरह ले लें क्या? अब देखिए इतने दिनों बाद हम मेजक्का के घर जा रहे हैं, तो इसे खाली हाथ जाना क्या ठीक रहेगा? आप ना बाबूजी को बोलो, तब तक मैं ना वहां तालाब से पानी निकाल के आती हूँ पीने के लिए। हाँ।